नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां जमीन के रिकॉर्ड में सुधार के लिए महीनों से चक्कर लगवा रहे रामपुर नैकिन तहसीलदार ने किसान से रिश्वत की मांग की। किसान 2000 रुपए लेकर तहसील आ गया। किसान ने जैसे ही रुपए देने के लिए हाथ बढ़ाया तो तहसीलदार ने रीडर के पास भेज दिया। रिश्वत की रकम रीडर गिन ही रहा था कि लोकायुक्त टीम ने उसे दबोच लिया। तहसीलदार लक्ष्मण पटेल और रीडर देवेंद्र कोरी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक रामपुर नैकिन तहसीली अंतर्गत रघुनाथपुर निवासी किसान शिव कुमार गौतम के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि थी। इसे सुधरवाने के लिए उन्होंने आवेदन किया था। वे महीनों से तहसील आ रहे थे लेकिन समस्या हल नहीं हुई। उन्होंने तहसीलदार लक्ष्मण पटेल को परेशानी बताई। इस पर तहसीलदार ने रिश्वत की मांग की। मामला तय होने के बाद किसान शिव कुमार ने लोकायुक्त SP से शिकायत की। टीम शुक्रवार दोपहर रामपुर नैकिन पहुंची। किसान ने रीडर को 2000 रुपए दिए तो टीम ने रीडर को पकड़ लिया। तहसीलदार लक्ष्मण पटेल को भी हिरासत में लिया गया। लोकायुक्त SP राजेंद्र वर्मा ने कार्रवाई के लिए 25 सदस्यीय टीम गठित की थी। इसमें रामपुर नैकित थाने के पुलिसकर्मी और 2 सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी भी शामिल थे। लोकायुक्त टीम ने तहसीलदार और रीडर को हिरासत में लिया था। बाद में दोनों को मुचलके पर छोड़ दिया गया। रीवा लोकायुक्त पुलिस SP राजेंद्र वर्मा ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने के नाम पर तहसीलदार लक्ष्मण पटेल और उनके रीडर देवेंद्र कुमार किसान से 2000 की रिश्वत ले रहे थे। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सेशन के बाद विस्तृत आपको जानकारी दिया जाना संभव होगा। फरियादी कौन है सर? इसमें फरियादी लगाइए आईडी ऊपर करिए। शिव कुमार सर, कितनी राशि के लेन देन हो रहा था? 2000 रुपए। कितनी किस्त दे चुके हो फरियादी? नहीं, ये किस्त नहीं दिया था पहली बार में। कौन कौन इसमें विक्टिम हुए सर? ये बस जांच के बाद आपको एक घंटे में हम जानकारी दे देंगे। तहसीलदार और रीडर के सेशन में दोनों विक्टिम्स। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। YouTube में गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।